इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि 9 वाट का एक एलईडी बल्ब कैसे बनाएंगे। तो आज आपको मैं वही बल्ब आपको बना के दिखाऊंगा। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या करना है, 10 एलईडी लेनी है इस तरीके की। ये देखिए, ये हमारी 10 एलईडी है और आपको एक एलईडी बल्ब का कवर लेना है। और एलईडी बल्ब का जो कवर है, आपको जो सिल्वर वाली बॉडी है वही आप अगर लेंगे तो आपका जो एलईडी बल्ब है वो ज़्यादा दिनों तक चलेगा। क्योंकि इसके अंदर दोस्तों क्या है कि हीटिंग जो बहुत कम होता है और आपके जो एलईडी बल्ब है वो ज़्यादा दिनों तक चलते हैं। तो एक एलईडी बल्ब का हम कवर लेंगे और दोस्तों एक हम लेंगे पोलिस्टर जो होगा हमारा 125 400 वोल्ट का। इसमें जो रेजिस्टेंस हम लगाएंगे वो लगाएंगे 820 के। आप चाहे तो 580 के, 420 के, 474 के की भी लगा सकते हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दोस्तों लिंक मतलब आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी रेजिस्टेंस इसमें और कौन कौन से पोलिस्टर चल सकते हैं, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। तो देखिए, हम ये लगाएंगे इसके अंदर और हम कंडेंसर लगाएंगे 15 UF 250 वोल्ट। ब्रिज इसके अंदर इस तरीके से बनेगा। और देखिए, इसके अंदर जो प्लस वाली जो टांग है वहाँ पर देखिए, ये दोनों सिल्वर कलर की लाइन रहेगी और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर दोनों ब्लैक कलर रहेंगे। और एक रेजिस्टेंस कैपेसिटर के दोनों टांगों के ऊपर रहेगी 820 के। और जो देखिए, ये सिल्वर और ब्लैक कलर के जो निशान है, यहाँ पर हमारे एसी की वायर रहेगी जो हम यहाँ पर पोलिस्टर और ये लगाएंगे। देखिए, मैं ज़रा जूम करके आपको बिल्कुल पास से दिखा देता हूँ ये किस तरीके से लगेंगे। और कंडेंसर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा कंडेंसर है और इस तरीके से हमारा ये ब्रिज बनेगा। तो देखिए, ये ब्रिज इस तरीके से बना हुआ है। और अब हम दोस्तों इसको तैयार करते हैं बना के। तो देखिए, पहले आपको क्या करना है, जो एसी वाली जहाँ पर ये वायर है यहाँ पर एक पोलिस्टर लगाएंगे। तो ये हमने एक पोलिस्टर लगा दिया, ये इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। और दूसरे एसी वाले वायर पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 2.2 ओम 1 वाट में। ये देखिए, ये 2.2 ओम है 1 वाट में, इसको भी हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। और दोस्तों, अगर ये 2.2 ओम रेजिस्टेंस आपके पास ना हो तो भी आपका सर्किट चलेगा। ये सिर्फ हम एक फ्यूज के लिए लगा रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये कनेक्ट हो गए हैं दोस्तों। अब इसके अंदर देखिए, दो वायर बची हुई है। देखिए, ये कंडेंसर की माइनस वाली। तो दोस्तों, इसके अंदर देखिए अभी दो वायर बची हुई है, ये हमारी एसी की हो गई। एक एसी की वायर यहाँ लगेगी, एक यहाँ लगेगी। ये हमारे दोनों एसी वायर हो गए। और यहाँ पर अब देखिए, हमारे एलईडी की वायर लगेगी। तो देखिए, माइनस वाला बचा है वो माइनस की जगह पर जाएगा, जो ग्राउंड है हमारा, और जो प्लस वाला है वो प्लस की तरफ जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से ये डायोड लगे हुए हैं। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, एक ख़राब पीसीबी लेंगे इस तरीके की और इसके अंदर जो है ये सारी एलईडी जो है हम सीरीज के अंदर इस तरीके से सीरीज के अंदर एलफी से चिपका देंगे। ये जो हमारी एलफी है इसे हम सीरीज से सारी जगह चिपका देंगे। तो इसके अंदर देखिए, सीरीज में ये हमें कैसे लगानी है। तो देखिए, इसमें जो माइनस वाला पॉइंट है एलईडी के अंदर, ये देखिए माइनस वाला पॉइंट है, यहाँ पर देखिए एक हल्का सा कट लगा हुआ है। ये देखिए, एक हल्का सा कट है, तो ये हमारा माइनस है। तो इस एलईडी को किस तरीके से जोड़ेंगे दोस्तों, एक माइनस एक प्लस इस तरीके से हमें जोड़ना है। एक माइनस एक प्लस इस तरीके से हमें सारी एलईडी यहाँ पर 10 की 10 एलईडी जोड़नी है। तो दोस्तों, मैं पहले एलईडी जोड़ लेता हूँ और जोड़ने के बाद आपको दिखाता हूँ ये सर्किट पूरा, और फिर हम इसकी वायरिंग करेंगे और फिर इसको जला के देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमने सारी सीरीज में सोल्डिंग कर दी है, और सोल्डिंग करने के बाद ये भी हमने एलपी चिपका के। और देखिए, जो लास्ट में जो पॉइंट बचेंगे वो हमारा पीले वाले वायर को हमने ग्राउंड कर दिया, नीले वाले को हमने प्लस बना दिया है। तो ये देखिए, अब हम इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। तो देखिए, सोल्डिंग हम किस तरीके से करेंगे, जो हमारा नीले वाली वायर थी वो हमारी प्लस थी, तो वो हम प्लस पे लगा देंगे। तो ये हमारी प्लस पे लग गई, और जो हमारी
पीली वाली वायर थी वो हमारी ग्राउंड थी। तो ये देखिए, ये हमारा ग्राउंड लग गया और ये हमारा प्लस लग गया इस कंडेंसर के माइनस प्लस पे, और इनके माइनस प्लस के बीच में ही एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 820 के। तो ये देखिए, ये एलईडी बल्ब हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमें सिर्फ दो एसी वायर लगाने हैं दोस्तों, ये हमारे दो एसी वायर लगेंगे और हमारा एलईडी बल्ब कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने देखिए दो एसी वायर लगा दिए। तो ये देखिए, ये हमारे दो एसी वायर लग गए दोस्तों, ये हमारा एलईडी बल्ब तैयार हो गया। अब हम दोस्तों इसे चेक करते हैं। और दोस्तों, जब इसको आप इस कवर के अंदर डालेंगे तो यहाँ पर आप कोई टेप या कोई पेपर लगा देंगे, क्योंकि ये हमारा एल्युमिनियम है और ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो इस एल्युमिनियम पे आप कोई भी पेपर या कुछ भी चीज़ लगा के तब इसको बंद करें, और बंद करने के बाद ही, तो मैं आपको पहले चेक करके दिखा देता हूँ आपको ये हमारा एलईडी बल्ब किस तरीके से ग्लो करेगा। तो देखिए, मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको सर्किट चेक करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ, इसके अंदर वोल्टेज कितनी आ रही है, एसी वोल्टेज हम चेक करते हैं, फिर आपको उसी हिसाब से पता लग जाएगा कि आपका सर्किट किस तरीके से काम करेगा। तो ये देखिए, ये हमारी एसी वोल्टेज है। तो देखिए, 225 के आसपास, 24-25 के आसपास हमारे यहाँ वोल्टेज आ रही है। और यह हमारा 9 वाट का बल्ब देखिए तैयार हो चुका है पूरा बन के, और इस तरीके से आप चाहे तो बना सकते हैं। तो ये देखिए, यह हमारा एलईडी बल्ब इस तरीके से दोस्तों ग्लो करेगा। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल के आइकन को जरूर दबाना दोस्तों, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा।